तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल, जिसका नाम है ऑनलाइन सेलेक्टिव। तो आज हम बात करने वाले हैं HSN रेट प्लस GST रेट्स के बारे में, मेनली फ्लिपकार्ट में। क्योंकि एक सेलर ने मेरे से क्वेश्चन करा है कि हमें ये इशू हो रहा है और ऐसे ऐसे करके हम कैसे इसका रेजोल्यूशन ले सकते हैं। दोस्तों, इसमें ये क्या हुआ है, किसी सेलर ने अभी जो है अपडेट कर दिया HSN रेट, कुछ और प्रोडक्ट का कुछ और था और GST रेट भी उसने डिफरेंट अपडेट कर दिया। अब उसकी लिस्टिंग कर दी, उसके ऑर्डर्स आने स्टार्ट हो गए, ऑर्डर्स आते आते उसको 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, एक महीना हो गया, देन कुछ नहीं हुआ। आफ्टर 2-3 months, 4 months, 6 months के बाद फ्लिपकार्ट ने उसके अकाउंट से एक हैवी अमाउंट डिडक्ट कर ली ट्रांजिट वैल्यू में से, बाय सेइंग दैट TDS एंड HSN रेट्स इज शोइंग रॉन्ग, सो आई एम डिडक्टिंग दिस अमाउंट ऑन दिस बेसिस। अब सेलर को पता नहीं चला उसकी ट्रांजिट वैल्यू इतनी थी और एकदम से कम हो गई है, 50-60,000 डिडक्ट होकर उसके ट्रांजिट वैल्यू कम हो गई। उसका रीजन क्या था? इसका रीजन ये था कि फ्लिपकार्ट जो था उसका GST रेट के हिसाब से तो सही भर रहा तो था, जो GST रेट और HSN के हिसाब से तो गवर्नमेंट को सही दे रहा था, पर सेलर ने अपनी तरफ से GST रेट सही नहीं लगाया, जिसमें 12% लगना चाहिए उसमें 5% लगाया, जिसमें 5% लगना चाहिए उसमें 18% लगा दिया। और मैं एक एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगा, टी शर्ट्स का जो HSN होता है 6109, शर्ट्स का 6105। अब क्या करते हैं सेलर्स, दोनों में 6105 कर दिया और आफ्टर दैट जब फ्लिपकार्ट की तरफ से मेल आई कि ये अमाउंट जो है डिडक्ट कर रहे हैं आपके अकाउंट से, तब उनको टिकट रेस करते हैं, क्वेश्चनिंग करते हैं, ऑफिस जाते हैं, ब्रांच ऑफिस जाते हैं कि आपने कैसे डिडक्ट कर दिया। गलती तो एज अ सेलर HSN की है ना, हमने जो फिल करा वही फ्लिपकार्ट देख रहा है, उनका कंप्यूटराइज सिस्टम देख रहा है। और दूसरी चीज, आप सपोज कीजिए टॉयज आप सेल करते हैं ऑनलाइन पे, टॉयज में 9503-0030 होता है HSN नॉन बैटरी टॉयज का, और 9503-0090 होता है बैटरी टॉयज का, नॉन बैटरी में 12% बैटरी वाले में 18%। अब सेलर्स 9503-0030 सब में भर रहे हैं, बैटरी नॉन बैटरी जो भी टॉयज है, सॉफ्ट टॉयज सब में यही भर रहे हैं। तो आगे जाने जाने क्या होगा कि आगे आने वाले टाइम पे फ्लिपकार्ट देखेगी ये चीज, 18% वाले में भी 12% में जा रहे हैं तो 6% फ्लिपकार्ट को लॉस हो रहा है, वो रिकवर करेगी फ्लिपकार्ट सेलर से, सेलर क्वेश्चनिंग करेगा फ्लिपकार्ट को ये फ्रॉड है, पर ऑटोमेटिकली तो सेलर की गलती हो रही है ना यहाँ से भरने वक्त, तो वो अपना एंड से आप चेक करें भरे तरीके से और उसको आगे अपलोड करें। कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा, साथ ही दोस्तों सब्सक्राइब करें चैनल को, सपोर्ट दिखाएं, थोड़ा सा सब्सक्राइब करेंगे तो जल्द से जल्द मैं और ज़्यादा अच्छी वीडियोस बनाता रहूँगा और आपको मोटिवेट करता रहूँगा। थैंक यू सो मच।